सरकार को ये कहना चाहते हैं कि ये जो हत्या हुई है हमारी लड़की की, इस हत्या पर अभी तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 15-20 दिन हो गए हैं, एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और खास तौर पर जिन्होंने ये हत्या की है, जिस लड़के ने हत्या, उसको भी अभी गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके साथ उस मोहल्ले के और कई लोग और उनके रिश्तेदार जो है वो उस मामले में संलिप्त है, उनमें से भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उसको गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस लड़की का द्वारा एक मेडिकल बोर्ड जो है वो इसका सारा परीक्षण करे, इसको देखे कि कहां कहां गड़बड़ी हुई है। और हम चाहते हैं कि अगर जम्मू की पुलिस, जम्मू का प्रशासन जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, तो हम सीबीआई डिमांड की जो है मांग भी कर रहे हैं। क्योंकि हमें पिछले 15 दिनों में कोई भी ऐसी बात सरकार की तरफ से एहसास नहीं हुई है, कोई सरकार ने हमें कुछ समझाया नहीं है कि भाई हम इस केस के अंदर ये कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इनकी चुप्पी जो है वो हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। हमारी बेटी गई है और हम उसके लिए अंतिम क्षण तक जो लड़ाई लड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम जम्मू को भी बंद कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे सुरेंद्र जी अपनी बात। जांच हो, 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 जांच हो। आदरणीय भाई और बहनों, हमारी एक बेटी की जो हत्या हुई है ये बड़ी शर्मनाक है। और जो पुलिस का रवैया है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक ना उस लड़के को गिरफ्तार किया है, ना उसके जो फैमिली के लोग वो शामिल थे जो पहला तोड़ के अंदर गए, ना उनको इन लोगों ने गिरफ्तार किया है। जैसे मेरे भाइयों ने जहां पर कहा है कि ये लव जिहाद का चक्र है और ये लव जिहाद के अंदर उस लड़की के साथ किन किन लोगों ने बहुत केस भरी सभा में फिर ये डिमांड करता हूँ कि ये केस सीबीआई के हवाले हो, तुरंत हो और इस घर पर बुलडोजर जो है वो फिरना चाहिए। अगर यूपी के अंदर ऐसे माफियों पर, ऐसे क्रिमिनल पर बुलडोजर फेरा जाता है तो हमारे एलजी साहब क्या कर रहे हैं, कि देख रहे हैं। और हमारी बहनों की इस प्रकार से दिल्ली में जैसे छाता हत्याकांड हुआ, टुकड़े टुकड़े हुआ, आज इस बेटी का भी ये टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे मेरे भाई और बहनों। ये आज बड़ा दुख का बात है कि मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर बुलडोजर फिरना चाहिए, इससे नीचे कोई फैसला नहीं होना चाहिए और इस परिवार को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। सुमेधा का न्याय एक बार फिर से मांगा जा रहा है। दर दर लोग भटक रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि डॉक्टर सुमेधा को न्याय जो है वो मिलना चाहिए। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर पूनम परिहार। डॉक्टर पूनम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज यहाँ पर एक तो एक इतनी महिलाएं दिख रही हैं, तो ये सभी डॉक्टर सुमेधा के साथ किस तरह से साथ में जुड़ेंगी और किस तरह से डॉक्टर सुमेधा को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठा रही हैं?
देखिए माँ बहनें तो अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं, और अभी तक तो हम शासन प्रशासन का ही इंतज़ार कर रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब ये एक दिन की बात नहीं रही, हर दिन एक सुविधा होती है। मुझे लग रहा है फिर वो 3 महीने ठंडे बस्ते में चली जाती बात और कुछ नहीं होता है, और अभी कई दिनों से प्रोसेस में चल रहा है, पुलिस क्या हैंडलिंग कर रही है, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बताया कि कहाँ पर क्या लूप रह रहे हैं और उसे न्याय मिलने में कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। तो दो ही चीज़ें इस वक्त हम महिलाएं मांग रही हैं, एक तो हमें न्याय चाहिए, सीबीआई को जांच के लिए दिया जाए, दूसरा यह है कि जो लव जिहाद है उसके अगेंस्ट कोई ऐसा क्या बोलते हैं लॉ बनाइए, उस लॉ का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए नहीं तो हर जगह कई बार सुविधा है और फिर क्या होता है कि वो प्रोसेस चलता रहता है तो हमारी बच्चियाँ सुरक्षित कहाँ हैं। जब लव जिहाद किस तरीके से एक तरीके से एक सोची समझी चाल के तहत उनको फंसाया जाता है, हम एक रिस्पेक्टेड सिटीजन हैं सभी इस कंट्री के, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को बंदिश करते हैं अपने बच्चों पे। ठीक है अगर वो लव मैरिज है या अगर प्रेम विवाह है तो उसमें काट दिया जाता है क्या, क्या 35 टुकड़े किए जाते हैं या किसी फ्रिज में उनके पीसेस को काट के बॉडी में डाला जाता है या सूट केसेस में डाला जाता है, कब तक हमारी बच्चों के साथ ऐसा होगा। हम एक डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पर बच्चों को बराबर की हकदार हैं हर चीज़ में, वो लेकिन अपने ही समाज में सुरक्षित नहीं है, वो अपनी इच्छा से अगर कहीं उनकी शादी होती है तो कहीं उन्हें गुमराह कर रहे हैं। तो इन तरीकों को बंद करने के लिए लव जिहाद के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जाए, उसके लिए कोई लॉ बनाया जाए, और ये जो न्याय है सुमेधा का ये सीबीआई को थारो प्रोब के लिए इमीडिएटली दिया जाए, क्योंकि ये जनता का जो मूवमेंट है अब ये और आक्रोश में आएगा और गली गली में बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हम विश्वास कर रहे थे लेकिन अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा प्रशासन की तरफ से, अब महिलाएं बच्चियां पुरुष पूरा समाज अपनी बच्चियों के लिए सड़कों पे उतर के आएगा, इसलिए जो भी आपने अभी काफिला देखा ये उसके लिए न्याय ही मांग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर नारी हर बेटी सुरक्षित होना चाहिए। ये जो समाज में इस वक्त जो गतिविधियाँ चल रही हैं वो बड़ी शंका वाली हैं कि ऐसा क्यों बार बार क्यों हो रहा है, हमारी बेटियाँ सुरक्षित क्यों नहीं हैं और उनके उनकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं, इसके लिए कोई ऐसा कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए ताकि वो हम सब सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे घर से निकले हम सोचें कि वो सेफ है, इस तरीके का होना चाहिए, कोई भी उनको गलत तरीके से गाइड करके या मिसगाइड करके ना उनको कोई किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचा, ये हमारी प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं हम उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत।